हमने बहुत ही एहतराम अदब के साथ बड़े सम्मान के साथ मखदूम साहब से गुजारिश गुजार हूँ, इल्तमास करता हूँ वो आए और अपना कलाम पेश करें। हजरत, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो चंद शेर मैं पेश कर दूं। इजाजत है जी? चार मिसरे पेश कर रहा हूं, देखिएगा। जहां भी देखिए ये बात भी चर्चे में रहती है। कलीम साहब, जहां भी देखिए ये बात भी चर्चे में रहती है। सियासत थी कभी छप्पर में, अब बंगले में रहती है। सियासत थी कभी छप्पर में, अब बंगले में रहती है। हकीकत से इसे वाकिफ नहीं होने दिया जाता। 85% पब्लिक यहाँ धोखे में रहती है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। 85% पब्लिक यहाँ धोखे में रहती है। नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीवी को। नए और कीमती कपड़े तू पहनाता है बीवी को। कभी सोचा है तेरी माँ फटे कपड़े में रहती है। वाह 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 वाह, शुक्रिया। और मखदूम भाई, माँ वाली नज़्म जरूर पढ़िएगा भाई। दोस्तों, माँ पर किसी ने नहीं पढ़ा। जी जी, हमारे सामने महबूब साहब तशरीफ रखते हैं। कलीम साहब, महबूब साहब, पप्पू भाई, देखिए ये ईद मिलन का प्रोग्राम है। मैं चंद शेर ईद के हवाले से पेश कर रहा हूँ जो अब तक नहीं पढ़ा गया, क्योंकि ईद मिलन के हवाले से ये कि शम्मे वफा दिलों में जलाए तो ईद है। ये महबूब साहब का पैगाम। शम्मे वफा दिलों में जलाए तो ईद है। दीवार नफरतों की गिराए तो ईद है। दीवार नफरतों की गिराए तो ईद है। और ये भी शेर महबूब साहब, देखिएगा। महबूब हो कलीम हो या बंधु शिव शरण। क्या कहने, शुक्रिया जनाब। महबूब हो कलीम हो या बंधु शिव शरण, सबको गले से अपने लगाए तो ईद है। वाह वाह, क्या मैसेज दिया भाई। सबको गले से अपने लगाए तो ईद है। अपने लिए तू कपड़े सिलाया तो क्या कमाल। अपने लिए जो कपड़ा सिलाया तो क्या कमाल। माँ बाप के लिए भी सिलाए है, क्या मखदूम भाई, क्या अच्छा मैसेज दिया है बाबा। माँ बाप के लिए भी सारे का मकसद कामयाब हुआ तो ईद है। मजबूर है गरीब है जो तंग दस्त है। पप्पू भाई, मजबूर है गरीब है जो तंग दस्त है, उनको भी आपसे वही खिलाए तो ईद है। क्या बात है। उनको भी आपसे वही खिलाए तो ईद है। और चार मिसरे अभी रंजना जी पढ़ रही थी और मेरा जी चाहता कि ईद के हवाले से चार मिसरे उनको नज़्र कर दूं। कलीम भाई, इजाजत है? कलीम भाई, कलीम भाई साहब ने बैठे कि बढ़ने लगी उम्मीद तुम्हें देखने के बाद। हम हो गए मुरीद तुम्हें देखने के बाद। और इस शेर पर मैं दाद चाहूंगा। भैया जी दाद दे रहे हैं। सारे जहां की दुहुई चांद देख कर, खास तौर से शेर देखिएगा। सारे जहां की दुहुई चांद देख कर होगी हमारी ईद तुम्हें देखने के बाद। होगी हमारी ईद तुम्हें देखने के बाद। बहुत अच्छा भाई, मखदूम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और चार मिसरे और पेश कर रहा हूं कि मुझे है नाज
हसी इंतखाब मेरा है। तो शेर अच्छे सुन लो, बहुत अच्छा पढ़ रहा है भाई। क्या बात, मुझे है नाज हसी इंतखाब मेरा है, मैं कैसे कह दूं मुकद्दर खराब मेरा है। ये नफरतों की सियासत तुम्हें मुबारक हो। खास तौर से जितने लोग इस वक्त मौजूद हैं, असली सामईन यही है, मुशारे के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। पेश करता हूँ। ये नफरतों की सियासत तुम्हें मुबारक हो, ये नफरतों की सियासत तुम्हें मुबारक हो, पढ़े दिलों में मोहब्बत ये ख्वाब मेरा है। और खास तौर से ये शेर मंदर साहब तशरीफ रखते हैं, हाशिम भाई, ये शेर पेश कर रहा हूँ कि गुलों के नाम पे तुमने बबूल बोए हैं। देखिएगा शेर, फूलों के नाम पे तुमने बबूल बोए हैं, तुम अपने कांटों को चुन लो गुलाब मेरा है, कांटों को चुन लो, तुम अपने कांटों को चुन लो गुलाब मेरा है। तेरे मिजाज में गर्मी है, मुझ में नरमी है। ये शेर देखिएगा, तेरे मिजाज में गर्मी है, मुझ में नरमी है आफताब तेरा महताब मेरा है आफताब तेरा महताब मेरा है। और तू पूछता है तो सुन ले वफा परस्त हूँ मैं। क्या बात है, खास तौर से शेर देखेगा, तू पूछता है तो सुन ले वफा परस्त हूँ मैं, तेरे सवाल से बेहतर जवाब मेरा है, तेरे सवाल से बेहतर जवाब मेरा है। और दोस्तों एक मतलब दो तीन शेर और जी, इनायत इनायत देखिएगा, इस वक्त अच्छी शायरी सुनी जा रही है, मैं पेश करता हूँ। मखदूम भाई, मखदूम भाई मदर वाली जो बहुत मशहूर नज़्म है, जरूर जी जी पढ़ देता, दो तीन बंद पढ़ देना, देखो फरमाइश आ गई। जी 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 मैं पढ़ रहा हूँ, ये फरमाइश है, ये सितम जी सीओम जी लेके आए, पेश करता हूँ। किस सितम परस्तों में खुद को शुमार मत करना। पूरे महफिल में बहुत इनका ये शेर पूरे हिंदुस्तान में बहुत पूरे महफिल में अगर एक शख्स ने भी अमल कर लिया तो आज का ये मुशारा कामयाब हो जाएगा। मैं पेश करता हूँ, इनायत दिया। कि सितम परस्तों में खुद को शुमार मत करना, कभी भी दामन दिल दागदार मत करना, जमाने वाले बहादुर नहीं कहेंगे तुम्हें, जो सो रहा हो कभी उस पे वार मत करना। अरे मखदूम साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। जो सो रहा हो कभी उस पे वार मत करना, उसे डुबोने की आती है खूब तरकीबें, उसे डुबोने की आती है खूब तरकीबें, तुम अपनी नाव में उसको सवार मत करना। क्या बात है, तुम अपनी नाव में उसको सवार मत करना। और ये भी शेर बहुत अच्छा पढ़ रहा मखदूम भाई, क्या जिस शेर से हमारी पहचान हुई, मैं पेश करता हूँ। कि दुलार करती हो चिड़िया जब अपने बच्चों को, मशहूर शेर है बाबा, दुलार करती हो चिड़िया जब अपने बच्चों को, तुम ऐसे वक्त में उसका शिकार मत करना, बड़ा शेर कह दिया, तुम ऐसे वक्त में उसका शिकार मत करना। और दोस्तों जाते जाते बंधु जी की एक फरमाइश है, मैं माँ के हवाले से मैं पेश करके दो तीन बंद मैं
रुखसत हो रहा हूँ। हमारी माताएं बहनें बैठी, मैं चाहता हूँ उनको माँ के हवाले से देखिएगा। ताली बजा दे मखदूम साहब के लिए, गला मेहनत लगती चाय के लिए। महबूब भाई बहुत देर से इंतजार हो रहा है, आप लोग बड़ी देर से सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। देखिएगा माँ के हवाले से शेर, अब ज्यादा फरमाइश ना करो बच्चा, लाइट जाओ, टाइम ज्यादा होगा। मैं बस दो तीन मिनट में। माँ कितना, माँ कितना ऊंचा है तेरा मकाम, तेरी ममता को मेरा सलाम, पूरा हिंदुस्तान में ये गीत गूंज रहा है। ममता को मेरा सलाम। अभी एक तारीख 1 अप्रैल को हमारी वालदा खत्म हुई है, इंतकाल हुआ उनका, पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। माँ तूने मेरा हर एक नाज उठाया, भूखी रही और मुझको खिलाया, भूखी रही और मुझको खिलाया, तेरी दुआओं से है मेरा नाम, तेरी ममता को मेरा सलाम, तेरी ममता को मेरा सलाम। और ये भी बंद पेश कर रहा हूँ, तेरी ममता को मेरा सलाम, खाने का सामान घर में जो आया, आप लोगों ने महसूस किया होगा, देखिए कंकाल भाई, खाने का सामान घर में जो आया, अपने भी हिस्से का मुझको खिलाया, अपने भी हिस्से का मुझको खिलाया, छलकाया तूने मोहब्बत का जाम, तेरी ममता को मेरा सलाम, तेरी ममता को मेरा सलाम। और ये भी बंद देखिएगा, मैं था दुखी तो तेरी आँख रोई, मेरे लिए रात भर तू न सोई, मेरे लिए रात भर तू न सोई, बेशक है तू काबिले एहतराम, तेरी ममता को मेरा सलाम, तेरी ममता को मेरा सलाम। कमाल, आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। भाई भाई का बंटवारा होता है, जो नेक औलाद होती है क्या सोचती है, क्या ख्वाहिश करती है, दौलत मकानात सब चाहे ले लो, हिस्से में मेरे मेरी माँ को दे दो, हिस्से में मेरे मेरी माँ को दे दो, माँ साथ है तो है खुशियाँ तमाम, तेरी ममता को मेरा सलाम, तेरी ममता को मेरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया।